चक दी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं सिमी धालीवाल लैके हाजिर हाँ तुहाडे लई देश विदेश दीआं खबरां। आओ नजर मारदे हां अज दीआं सुरखियां वल। नवजोत सिंह दा वड्डा फैसला, केंद्र सरकार नूं चिट्ठी लिख दित्ती चेतावनी। इमरान खान तो बागी पाकिस्तान फौज ने दुखाया सिख संगत दा दिल, रखी पासपोर्ट दी शर्त। मीडिया के कैमरे सामने पड़के नवजोत कौर सिद्धू दिता सिद्धू बारे हर सवाल का जवाब, अकाली कांग्रेस रखी निशाने ते। बाबे दी धी हनीप्रीत नूं मिली वड्डी राहत, बाहर आउंदे प्रेमियां ने दीवे वाल जताई खुशी, बजाए पटाके। कैप्टन के खिलाफ खड़ा होया कैप्टन का खास लीडर रंधावा, सिद्धू की तारीफा दे बन्ने पुल। मजीठिया ने की कैप्टन नूं बेनती, कहा सिद्धू नूं दे दिओ बजीरी। सिद्धू के पक्ष च उतरे सरना के बयान ने कैप्टन ते सुखबीर नूं कीता चितौधरा, हाई कोर्ट ने सरना के हक च दिता फैसला। ते हुण खबरां विस्थार नाल। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक होर वड्डा फैसला लैंदिया केंद्र सरकार नूं चेतावनी दी है कि जेकर उन्हां नूं करतारपुर लांघे दे उद्घाटन समागम च हिस्सा लैण लई केंद्र सरकार वल्लों कोई जवाब ना आया तां उह वड्डा फैसला लैणगे। दस दईए कि इह सिद्धू वल्लों केंद्र नूं तीजी चिट्ठी लिखी गई है। अपने फैसलिया करके सियासी अखां विच रड़कण वाले सिद्धू ने एक होर वड्डा फैसला कीता है। सिद्धू ने केंद्र सरकार नूं चेतावनी दित्ती है कि जेकर उन्हां नूं करतारपुर लांघे दे उद्घाटन समागम विच हिस्सा लैण लई केंद्र सरकार वल्लों कोई जवाब ना आया तां उह निमाणे सिख वांग वीजा लै के पाकिस्तान जाणगे। दरअसल मामला है सिद्धू नूं आए पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान दे सद्दे दा, जिस तों बाद मीडिया दे हर कैमरे दा फोकस अते अखबारां दी हर पहली खबर सिद्धू दे नाम हो गई। लांघे ते क्रेडिट वार इस कदर है कि सिद्धू ने हुण तक दो चिट्ठियां केंद्र अते एक पंजाब सरकार नूं लिख पाकिस्तान जाण दी इजाजत मंगी है। पर हैरानगी वाली गल तां इह है कि हुण तक सिद्धू नूं किसी भी चिट्ठी का जवाब केंद्र ने नहीं दिता। सिद्धू ने हुण तलखी दिखाउंदिया केंद्र नूं तीजी चिट्ठी लिखी है ते कहा है कि सरकार उन्हां नूं जवाब देवे, नहीं तां उह निमाणे सिख वजों वीजा लैके पाकिस्तान जाणगे। बेशक इमरान खान ने सिखां दीआं भावनावां दी कदर करदे होए पाकिस्तान जाण लई पासपोर्ट दी शर्त नूं खत्म कर दिता सी, पर हुण पाकिस्तान सेना ने प्रधानमंत्री दे खिलाफ जा अपना हुक्म जारी कीता है। पाकिस्तान सेना दा हुक्म है कि श्रद्धालुआं कोल पासपोर्ट होणा लाजमी है। ISPR दे मुखी ने इह साफ कीता है कि पासपोर्ट दी जरूरत पवेगी। जिथे एक पासे पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान ने सिखां दीआं भावनावां दी कदर करदे होए पाकिस्तान जाण लई पासपोर्ट लाजमी होण दी शर्त नूं खत्म कर दिता सी, उत्थे ही दूजे पासे हुण पाकिस्तान सेना ने प्रधानमंत्री इमरान खान दे खिलाफ जा अपना हुक्म जारी कीता। जी हां, पाकिस्तान सेना दा हुक्म है कि श्रद्धालुआं कोल पासपोर्ट होणा लाजमी है। दस दईए कि सेना दे इस ऐलान ने श्रद्धालुआं नूं दो चित्ती च पा दित्ता है, क्योंकि कुछ दिन पहलां ही इमरान खान ने सिख संगत नूं पासपोर्ट वाली शर्त ते राहत दित्ती सी। पर इत्थे इह गल साफ है कि सेना दे इस फैसले ने सिख संगत दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंचाई है। भारत ने इस मुद्दे ते हुण पाकिस्तान सरकार नूं सीधे तौर ते पुछिआ कि भारत श्रद्धालुआं नूं पासपोर्ट दी लोड़ है जां नहीं, पर ISPR दे मुखी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस गल नूं साफ कर दिता है कि भारतीय सिख संगत नूं करतारपुर साहिब दे गुरद्वारा दे दर्शन लई पासपोर्ट दी जरूरत लाजमी है। बेशक नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया के सामने नहीं आ रहे, पर अजकल नवजोत कौर सिद्धू ने मोर्चा संभालिया होया ते वह मीडिया के हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। जिथे उन्होंने सिद्धू के पाकिस्तान जाने के मामले च बड़ा बयान दिता, उत्थे ही कई सवालों ते मैडम सिद्धू ने भड़क के भी जवाब दिते। देखो पूरा मामला।
नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाएंगे या फिर नहीं, यह सवाल आजकल सुर्खियां दा विषय बनिया होया। मीडिया वालों यह सवाल हर एक लीडर नु पूछा जा रहा है, कोई सिद्धू दे हक च खड़ा हो रहा है ते कोई नाराजगी जता रहा है, पर कोई कुछ भी कहे। बेशक नवजोत सिंह सिद्धू मीडिया दे सामने नहीं आ रहे, पर आजकल उन्हां दी धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने मोर्चा संभालिया होया ते ओह मीडिया दे हर एक सवाल दा जवाब दे रहे ने। हुण एक वार फिर उन्हां ने नवजोत सिंह सिद्धू दे पाकिस्तान जाण दे मामले च वड्डा बयान दित्ता है। उन्हां मुताबिक सिद्धू शुरू तो ही निमाणे सिख बन के जाना चाहते सी। वो शुरू से ही चाह रहे थे कि एक निमाने सिख बन के वो करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू ही जाएं, शुरू से ही उनका मतलब था। सिर्फ ये है कि जब उनको इनविटेशन आ गई तो इनविटेशन का जो पहला प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो 11 बजे का है, तो अगर उन्होंने यही मांगी है परमिशन कि हो सकता है यहाँ से जो जत्था जाए वो थोड़ा लेट हो जाए, तो अगर 9 बजे तक उनको निकलने देते हैं वहाँ से तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वो प्रोग्राम तो इमरान जी का इन्वाइट है तो उसको अटेंड करना तो टाइम पे ही जाना पड़ेगा, तो जाना वो उसी रास्ते से चाहेंगे। और इन केस अगर उस दिन जो पहला जत्था है वो लेट निकल रहा है तो एक दिन पहले उनको जाने दें, वो गुरुद्वारा साहिब में ही रहना चाह रहे हैं, वहीं सोना चाह रहे हैं, वहीं रह के पाठ करेंगे और अगला दिन सुबह प्रोग्राम अटेंड कर लेंगे। इस मौके मैडम सिद्धू नु जदों यह सवाल किया गया कि कैप्टन साहब का कहना है कि सिद्धू नु उन्हां दे काफले नाल पाकिस्तान जाना चाहिदा सी, तां मैडम सिद्धू ने भड़क के कहा कि असि इस मामले च राजनीति नहीं करना चाहते, उत्थे तां पहला ही स्टेजां नु लैके लड़ाई चल रही है। देखो इनके बारे में वो खुद भी बात करें तो अच्छा होगा, मैं किसी के बारे में पर्सनली वो नहीं करना चाहते। इनवाइट तो मुझे भी आया था तो मेरा भी यही था कि मैं अपनी ईस्ट के साथ अपने काउंसलर्स और अपनी टीम के साथ एक नॉन पॉलिटिकल वे में, क्योंकि वहाँ पे तो भी वो स्टेजों की लड़ाई चल रही है। हम गुरु नानक देव जी के वहाँ पे जन्म दिवस के उस पर मत्था टेकने एक पॉलिटिकल मूड से जाना नहीं चाह रहे। नाल ही मैडम सिद्धू ने अमृतसर च लगे इमरान ते सिद्धू दे पोस्टर बारे भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। देखो सारे सोशल मीडिया पे भी वो चल रहा है तो होर्डिंग्स का मे भी उनके मन में आया हो शहर में कि तुम बिना परमिशन के दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लगा रहे हो तो शायद इससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, सो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उत्तर रहे थे उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा मैं इसमें कोई इंटरवीन नहीं कर सकती। पंचकूला च हिंसा भड़काउण दी दोषी राम रहीम दी बेटी हनीप्रीत नूं पंचकूला दी अदालत ने वड्डी राहत दिंदिआं जमानत दे दित्ती है। दस दईए कि बीते दिन ही हनीप्रीत ते दर्ज FIR तो देश द्रोह की धारा हटाई गई सी, जिस तो बाद आसानी नाल बीते दिन ही पंचकूला अदालत ने हनीप्रीत नूं जमानत दे दित्ती है, जिस तो बाद प्रेमियां च खुशी का माहौल बनिया होया, उन्होंने पटाखे चला ते दीवे बाल अपनी खुशी जाहिर की। डेरा सिरसा मुखी राम रहीम दी मूंह बोली ती हनीप्रीत नूं पंचकूला दी विशेष अदालत ने वड्डी राहत दिंदे होए जमानत दे दित्ती। इत्थे तुहानू दसना बनदा है कि पिछले दिन ही हनीप्रीत दर्ज FIR तो देश द्रोह दी धारा हटाई गई सी ते बीते दिन ही पंचकूला अदालत ने हनीप्रीत नूं जमानत दे दित्ती है। जिक्रयोग है कि 2017 च पंचकूला च राम रहीम नूं बलात्कार दे मामले च सजा सुनाई गई सी, तां उस समय राम रहीम दे पैरोकारां ने पंचकूला च हिंसा भड़काई सी ते दंगे फसाद कीते सी, जिस दे चलदे हनीप्रीत नूं हिंसा भड़काउण दे मामले च सजा सुनाई गई सी, पर हुण पंचकूला अदालत ने जमानत दे वड्डी राहत दित्ती है, जिस तो बाद प्रेमियां च खुशी दा माहौल देखा जा रहा है ते उन्हां वल्लों जश्न मनाए जा रहे ने। देखो कुछ तस्वीरां।
करतारपुर लांघे दे खुलण नूं लै के ज्यादातर लीडर नवजोत सिंह सिद्धू दी वाहवा कर रहे ने। उन्हां दे विचों ने एक लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नजदीकी सुखजिंदर रंधावा। जेल मंत्री दा कहना है कि कोई जो मर्जी कहे करतारपुर लांघा खुलवाउण च सिद्धू दा अहम रोल है। हालांकि रंधावा साहब ने सिद्धू प्रति अपनी नाराजगी भी जताई। अज सिद्धू नूं इत्थे हाउस च आना चाहिदा सी, ओह नहीं आया, एह मेरे मन नूं दुख है। कोई जो मर्जी कहे करतारपुर लांघा खुलवाउण च सिद्धू दा अहम रोल है। यह कहना है कैप्टन साहब दे खास वजीर दा। जो मर्जी कहे सिद्धू का रोल है। जी हाँ, मीडिया ने जदों सुखजिंदर सिंह रंधावा तों सवाल किया कि सिद्धू दा लांघा खुलण च किन्ना कि योगदान है, तां उन्होंने कहा कि कोई जो मर्जी कहे करतारपुर लांघा खुलवाउण च सिद्धू दा अहम रोल है। देखिए, कोई जो मर्जी कहे सिद्धू का रोल है। सिद्धू का इस कॉरिडोर को लेकर आना सिद्धू का रोल है, पर सिद्धू की जो वो कर रहा है वो मेरे को पसंद नहीं है। उसको वो करना चाहिए जो लोगों की पसंद है, उसको वो करना चाहिए जो लोग कह रहे हैं, उसको वहाँ डेरबा बनाने के भी आना चाहिए और इंडियन साइड से और जो पंजाब के MLAs हैं उनके साथ वहाँ जाना चाहिए। अगर वो अकेला जाता है ठीक है, उनको आए हैं उनकी इमरान खान की जो इन्विटेशन आई है वहाँ जाकर इमरान खान जी को वो मिलें जाएँ तो उनको कहें कि मैं अपनी पूरी इंडियन साइड से आपका खैर मकदम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। इस मौके रंधावा साहब कैप्टन के खिलाफ जा सिद्धू दा पक्ष पूरदे नजर आए, पर रंधावा ने मीडिया दे कैमरे सामने सिद्धू प्रति अपनी नाराजगी भी जताई। इस मौके उन्होंने कहा कि जो सिद्धू कर रहा है ओह मेनू पसंद नहीं। वो नहीं जाना चाहिए। मेरी बात सुनिए, आज मैं सिद्धू को जहाँ आना चाहिए था हाउस में, ये मेरे मन को दुख है। जिथे हर कोई नवजोत सिंह सिद्धू दी तारीफां दे पुल बन रहा है, उत्थे ही अकाली लीडर विक्रम मजीठिया सिद्धू साहब नूं निशाने ते रखण दा कोई भी मौका खाली नहीं जाण दिंदे। उन्हां दा कहना है कि मैं तां पंजाब सरकार नूं बेनती करांगा कि जाके सिद्धू नूं मना लिओ ते उन्हां नूं जिहड़ी वजीरी चाहीदी है ओह दे दिओ। मैं तां पंजाब सरकार नूं बेनती करांगा कि जाके मना लिओ, उहनूं दे दिओ जिहड़ी वजीरी चाहीदी है, उहनूं 0000 दा नंबर दे दिओ। जाके मना लिया, ओनू दे दियो जेड़ी वजीरी चाहिए, दे के रल मिल के 0000 नंबर दे दियो, 0000 नंबर दे दियो, 0000 नंबर दे दियो। यह शब्दी चपेड़ा ते कौड़े तिखे शब्द मजीठिया साहब ने बोले ने नवजोत सिंह सिद्धू ले। जी हाँ, ओना मुताबिक कैप्टन साहब नु सिद्धू नु मना लेना चाहिए, नहीं ता राहुल गांधी जी मना लेन। पंजाब दी सरकार नु बेनती करदा कि भाई एक पासे तुसी रल मिल के बना रहे हो, जाके मना लिया ओनू, इनकरण कुछ होवे, राहुल गांधी जी मना लेन, जिवें न्याणे नू रुस्से नू मनाईदा, मना लो सब रल मिल के खुशी नाल। इस मौके उन्होंने अलग अलग स्टेज लगाउण ते मामले ते भी पंजाब सरकार नू करारियां करारियां शब्दी चपेड़ां मारियां। मंत्री के पीछे खड़े और प्रधानमंत्री जी का फैसला है कि जो अकाल तख्त साहब का हुक्म आया उन्होंने भी उस पे सिर झुकाते हुए उस फैसले को मानते हुए स्टेज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अकाल तख्त साहब जी के जो निर्देश ही उसके हवाले चल रहे हैं। सो कौन क्यों क्या कर रहा है ये वो जवाब दे, मगर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए। गुरु नानक नाम लेवा संगत की अरदास सुनी गई है, गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की बख्शिश है। मैं आज भी अपील करता हूँ कि हम सबको अगर हाउस में इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होके बात करने की बात की गई, हमको फिर हर जगह इकट्ठे होके लोगों की भावना को ध्यान रखते हुए इकट्ठे मनाना चाहिए। क्रेडिट वॉर में किसी को पढ़ना नहीं चाहिए, अरदास सदका क्रेडिट देने वाला वो वाहेगुरु और ये उसकी बख्शिश हुई है और लोगों की अरदास सुनी गई है, इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। आखिरकार इस फैसले ते हाई कोर्ट ने मोहर लगा ही दी कि परमजीत सिंह सरना पाकिस्तान जान गए। हालांकि किसी पुराने केस कारण बीती 31 अक्टूबर नु सरना नु अटारी विखे इमीग्रेशन दे अधिकारियों ने रोक दिता सी, पर हुण हाई कोर्ट ने सरना नु ननकाना साहब जान दी आग्या दे दी है। उधर सरना साहब ने लांघा खुलण दा सारा क्रेडिट नवजोत सिंह सिद्धू ते इमरान खान दी दोस्ती नु दिता। लो जी, हो गया फैसला। आखिरकार श्रोमणी अकाली दल दे दिल्ली प्रधान दे हक च ही खुले हाई कोर्ट दे पत्र। जी हां, श्रोमणी अकाली दल दे दिल्ली प्रधान परमजीत सिंह सरना अज पाकिस्तान जाणगे, जिस ते हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दित्ती है। दसना बनता है कि बीती 21 अक्टूबर नूं दिल्ली तों नगर कीर्तन लैके ननकाना साहब लई चले परमजीत सिंह सरना नूं अटारी विखे इमीग्रेशन दे अधिकारियों ने रोक दिता सी।
इमीग्रेशन अधिकारियों ने परमजीत सिंह सरना के खिलाफ 2008 दर्ज हुए केस की क्लीयरेंस ना होने का हवाला दे के पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी सी, जिस कारण सरना साहब नू अटारी तो ही वापसी करनी पई। जिस तो बाद पड़के सरना ने बादलों खिलाफ राज के पड़ास कढ़ी ते गुस्से च लथपथ हो उन्हां नू दिल्ली हाई कोर्ट दा रुख करना पिया, जिदे चलदे हाई कोर्ट ने सरना साहब नू ननकाना साहब जाण दी आग्या दे दित्ती है। जिस तो बाद सरना साहब काफी खुश नजर आ रहे ने ते सरना साहब अमृतसर तो अटारी राही पाकिस्तान जाण लई रवाना हो चुके ने। दस दईए कि सरना तो जदों क्रैडिट वार बारे पूछा गया तो उन्होंने भी लांघा खुलन का सारा क्रैडिट नवजोत सिंह सिद्धू ते इमरान खान की दोस्ती नूं दिता। उन्होंने अनुसार इन्हां दी दोस्ती ही सिख कौम दे काम आई है ते इन्हां दी ही पहलकदमी नाल लांघा खुल सकिया। नाल ही उन्होंने सिद्धू साहब की चुप्पी ते वड्डा बयान देंदिया कहा कि बेशक नवजोत सिंह सिद्धू अज कुछ नहीं बोल रहे, हो सकता है कि उन्हां दा कोई सियासी मजबूरी होवे। इस मौके सरना साहब ने बादल नूं उड़ीके लैंदिया कहा कि हरसिमरत कौर बादल ने उन्हां नूं अधिकारियों उपर दबाव पा के रोकण की साजिश की सी, पर हुण अदालत ने उन्हां नूं 3 मिंट च ही पाकिस्तान जाण की इजाजत दे दी है। हुण देखना यह होगा कि अकाली दल उपर लग रहे इन्हां दोषां का अकाली दल की जवाब दिंदी है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਤਾਜ਼ਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।